हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर सीओस एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्लैब, यानी कि स्लैब में हम स्टील की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे गहरे एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता अपने में टॉपिक की ओर, क्वांटिटी ऑफ स्टील बार्स इन स्लैब। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आज आपको एक थंब रूल के कैसे एक जनरल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आसानी से दो मिनट में। आपको कितनी बार आपको रिक्वायर्ड है, यानी कितनी केजी बार रिक्वायर्ड है, आप आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई जो कि बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ वन वे और टू वे स्लैब, ठीक है। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। उससे क्या है कि आप प्रॉपरली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुक वगैरह होती है और बेंट अप लेंथ होती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मैंने नहीं मेंशन की है, ठीक है। तो ये शॉर्टली तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपरली अगर आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देखें, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आता हूँ फ्रेंड्स इस टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ये मैंने एक स्लैब का एग्जांपल लिया हुआ है जो 15x6 मीटर की है, ठीक है, 15x6 मीटर की है, और स्पेसिंग जो इसके अंदर बार की कितनी है 150 mm की है, ठीक है। और डाया ऑफ मेन बार इसमें कितनी है 10 mm फाई की है, यानी कि 10 mm की है, 10 mm डाया है, ठीक है, मेन बार। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है कितनी 8 mm फाई है, यानी कि 8 mm की है, ठीक है। और स्पेसिंग को हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर ली तो 0.150 मीटर, ठीक है। तो आप जो भी कैलकुलेशन कीजिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक यूनिट में कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये mm में है तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ में मीटर में ही लेके आगे चलूँगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने मीटर में यहाँ कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन बार क्वांटिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड है, कैसे निकालें। तो मेन बार वाली हमारी कौन सी है, ये शॉर्टर वाली है, ठीक है। ये शॉर्टर स्पान वाली जो बार है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी मेन बार है, ठीक है। तो मेन बार हमारी कितनी लगेगी, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ होगी, ठीक है। और उसमें हमें 150 mm से हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि 0.150 मीटर से, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी कितनी बार से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है मेन बार, ठीक है। तो वही किया मैंने यहाँ पर, मेन बार क्वान्टिटी इक्वल टू हो जाएगा 15 ये लेंथ अपॉन 0.150। तो फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। और हमें 100 में क्या करना होगी, 1+ करना होगा, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा बार से लेते हैं, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हम एक पॉइंट छोड़ के कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब आइए देखें डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार इक्वल टू हो जाएगा 6/0.150 इक्वल टू हो जाएगा 14 नंबर्स ऑफ बार आएगी, ठीक है। उसमें हमें +1 करना, क्योंकि हम एक पॉइंट छोड़ के करते हैं, ठीक है। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी, ये वाली है, ठीक है, लॉन्ग स्पान पे जो प्रोवाइड है। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप कहेंगे इसमें मैंने लेंथ नहीं ली बार की, ठीक है। तो लेंथ लेने ज़रूरत नहीं, टोटल ये लेंथ मैं लेके मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये जनरल तरीका है, इसमें प्रॉपरली लेंथ नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देख लिए स्टील वेट हम कैसे निकालते हैं। तो स्टील वेट फर्स्ट के लिए, ठीक है, जो मतलब कि हम 10 mm डाई की जो मेन बार यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, स्टील वेट इसका टी हो जाएगा d² × L/162.2। तो डाई ऑफ बार कितना था हमारा 10² × 6, ठीक है, लेंथ हमने 6 मीटर रहेगी, ठीक है, ये वाली रहेगी ना, तो ये 6 हो गया × 162.2, यानी कि मेन बार की जो हमारी लेंथ रहेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ आ जाएगा 3.69 × 101, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बार हमें कितनी है 101 होगी, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दे तो सारी बार का हमें वेट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो वेट हमारा आया है वो कितनी बार का है, वो एक बार का आया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आ गया 101 बार का वेट कितना होगा 373 kg। आप सेकंड कर लेते हैं स्टील वेट इसके लिए 8 mm बार के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट। तो d² × L/162.2, और ये 8 mm डाया था तो 8 का स्क्वायर हो गया × 15 लेंथ, ठीक है, और 162.2 इक्वल टू आ जाएगा 5.91, ये कितना एक बार का हमें मिल गया वेट, ठीक है। और मैं 41 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल बार का हमें वेट मिल जाएगा, तो देखिए कितना आया 243 kg, ठीक है। तो हमें टोटल रिक्वायर्ड कितनी होगी 8 mm डाया की बार 243, तो ये हमें मिल गया। अब इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं, टोटल हमें कितने के जी रॉड रिक्वायर होगी 616 kg बार से हमें रिक्वायर्ड होगी इस स्लैब के, कितनी 15x6 मीटर की, ठीक है। तो ये था तरीका निकालने का, एक शॉर्टली तरीका है कि इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं दो मिनट में कहीं पर भी बार हमें कितने के जी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।